अटेंशन अटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है स्टूडेंट्स। एडमिटेड ड्यूरिंग द करंट सेशन 2023-24 एक्सेप्ट स्टूडेंट्स एडमिटेड अंडर फॉरेन नेशनल्स NRI कैटेगरी, यानी फॉरेन नेशनल्स का और NRI कैटेगरी का सेपरेट एक नोटिस निकला हुआ है, उसका जो वेरिफिकेशन होगा वो 16 अक्टूबर तक होगा। इनके अलावा जितनी भी है वो आपका, इट इज़ हेयर वाई नोटिफाइड डैट दोज हु हैव बीन एडमिटेड या विल हैव एडमिटेड इन एनी कोर्स, किसी भी कोर्स में ड्यूरिंग द सेशन 2023 और 2024 आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट इन पर्सन एट द कंसर्न ऑफिस ऑफ द डीन, चेयरमैन, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, कोऑर्डिनेटर फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन अलॉन्ग विद द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड इन द कंसर्न ऑफिस फ्रॉम 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक। आपको फिजिकल यानी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ सबमिट करने हों, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। आपने AMU में किसी भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया है तो फिजिकल वेरिफिकेशन, क्योंकि जो इस आपके जो एडमिशन दिया गया था वो आपका ऑनलाइन एडमिशन दिया गया था, डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होगा हुआ था वो भी आपका ऑनलाइन हुआ था, लेकिन आप जो है एडमिशन वो फिज़िकल वेरिफिकेशन होगा, तो फाइनली आते होगा जो एडमिशन आपका कंटिन्यू रहेगा या आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ वेरिफिकेशन आप केयरफुली करवाइए। मार्कशीट ओब्लिक ग्रेड शीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो मार्कशीट या क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन अगर आप BSc में एडमिशन लिया है इस साल, तो क्वालिफाइंग जो एग्ज़ामिनेशन होगा वो आपका 12th होगा। तो इसी तरह से क्वालिफाइंग है यानी आपके किस कोर्स में ले रहे हो वो आपका जो प्रीवियस होगा वो आपका क्वालिफाइंग होगा। तो आपको 2 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कॉपी चाहिए, मैंशनिंग इनरोलमेंट नंबर आपको मैंशन करना होगा, इनरोलमेंट नंबर और फैकल्टी नंबर। दूसरा, ट्रांसफ़र या माइग्रेशन करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड इफ़ नॉट इनरोल्ड एट AMU। अगर आप AMU के स्टूडेंट नहीं हैं तो आपको काहे की ज़रूरत होगी, ट्रांसफ़र और माइग्रेशन और करेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। ट्रांसफ़र और माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये एक ही होता है। हाई स्कूल सर्टिफिकेट इट्स और या इट्स इक्विवेलेंट इन सपोर्ट ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, यानी इन डेट ऑफ बर्थ या तो हाई स्कूल सर्टिफिकेट या आप इसके एवज में इट्स इक्विवेलेंट इन सपोर्ट ऑफ द डेट ऑफ बर्थ। तो 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज मैंशनिंग इनरोलमेंट नंबर और फैकल्टी नंबर होगा। 5 जो है 2x5x3 cm रिसेंट फ्रंट फेसिंग कलर फोटोग्राफ्स और जो बैकग्राउंड होगा वो आपका वाइट होगा। तो 5 फ़ोटो चाहिए आपको। डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ फिजिकल कैटेगरीज क्लेम्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म एज गिवन इन टेबल 3rd, लीव सेंक्शन लिविंग ऑर्डर फ्रॉम द एम्प्लॉयर फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। अगर एम्प्लॉयड, अगर कोई एम्प्लॉयड है और वो उसके लिए क्या है लीव यानी NOC और लीव सेंक्शन ऑर्डर उसके पास होना चाहिए। नेम रिमूवल सर्टिफिकेट फ्रॉम द रोल्स ऑफ द कंसर्न फैकल्टी कॉलेज यूनिट इफ ऑलरेडी इनरोल्ड टू एनी फुल टाइम कोर्स ऑफ स्टडी एट AMU। अगर वो किसी और कोर्स में इनरोल्ड है AMU में तो उसे नेम रिमूवल सर्टिफिकेट लेना होगा। 2 अंडरटेकिंग्स ऑन प्लेन पेपर, क्या 1 ऑन योर बिहाफ यानी कैंडिडेट्स के बिहाफ के और द अदर ऑफ पेरेंट्स के बिहाफ या गार्जियन रिगार्डिंग नोट टू इंडल्ज इन रैगिंग परफॉर्म गिवन इन अपेंडिक्स, वो कंट्रोल की वेबसाइट पर दिया हुआ है। तो ये फिज़िकल आपको वेरिफिकेशन करवाना है 3, 10 से 12 अक्टूबर तक कराना है। अगर हम फॉरेन नेशनल्स के वेरिफिकेशन की करें उनके डॉक्यूमेंट्स की, तो उन्हें जो वेरिफिकेशन कराना है, इट इज़ हेयरबाय नोटिफाइड दैट स्टूडेंट्स हु हैव बीन एडमिटेड इन एनी कोर्स ड्यूरिंग द सेशन 2023-24 अंडर फॉरेन नेशनल्स NRIs कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट इन द एडमिशन सेक्शन फॉरेन नेशनल से NRI यूनिट फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑन और बिफोर 16 अक्टूबर 2023 ऑन एनी वर्किंग डेज एक्सेप्ट फ्राइडे 3 से आपका 4 होगा अलॉन्ग विद द क्या फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ये आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, इसकी वीडियो मैंने सेपरेट बनाई है। तो फिज़िकल वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया है, जितने भी 2023-24 में एडमिशन हुए हों चाहे वो NRI हो, नेशनल हो या जनरल कैटेगरी के हों, SC हैं या OBC हैं, तो सबका फिज़िकल वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया। तो प्लीज़ टाइम से अपना फिज़िकल वेरिफिकेशन करवाइए। अब NXR की हम बात करें, NXR कहाँ मिलेगा देखते हैं।
तो आप ये देख सकते हैं कंट्रोल की वेबसाइट है तो नीचे ही ये दिया हुआ है अंडरटेकिंग बाय द पेरेंट्स ओब्लिक गार्जियन और अंडरटेकिंग बाय द स्टूडेंट्स है। तो ये आपको दोनों अंडरटेकिंग जो है आपको अपलोड डाउनलोड कर लेनी है और उसे फिल कर देना है। ये इस तरह का फॉर्म होता है अंडरटेकिंग का बाय द पेरेंट्स और गार्जियन, तो आपको ये फिल करना है पेरेंट्स की तरफ से और इसी तरह से आपका स्टूडेंट का होगा ये अंडरटेकिंग बाय द स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।